Welcome to Time News Studios. You are watching 9 p.m. Bulletin. ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, आजाद कश्मीर को क्या इसमें नोटिफिकेशन में डाल के आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा है? जो इल्जाम आप पे लगता है इस हुकूमत पे कश्मीर पे सौदा हो गया है, या क्या ये एक दूसरा स्टेप है उसका कि अब आप कह रहे हो कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर, आजाद कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट ने वफाक करने पाकिस्तान का सूबा है, और इस वक्त जब आप सबको पता है कि उस रीजन में क्या हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, इस पैगाम भेजने की क्या जरूरत था और इसकी क्या मतलब है? कश्मीर आई गिलगित बल्तिस्तान के एनएफसी में छो शामिल कर वियो है। दुनिया के कहड़ो पैगाम मिलो पियो वने, कश्मीर पाकिस्तान जो सूबो है? पीपी चेयरमैन चाहे तो एनएफसी की गैर आयनी जोड़जक खिलाफ एपीसी सदाईंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन मुल्क में कोरोना केसेस में वाद इफादगियन जो जिम्मेवार वफाकी सरकार के करार दे छो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे बिलावल चो तो वफाक सरकार सिंध हुकूमत की कोरोना वायरस से पखियन रोकण बारे कोशिशों से राताहो हयों और गलत जान जरिए आवाम के बेवकूफ़ बनाए रही है। कोरोना वबा दौरान कड़े कानून तहत स्टील मिल्स के हजारे मुलाजमन के बरतरफ कर पे वे वो वजीर फैसले के हर फोरम पे चैलेंज कंदो मुलाजमन से मुकम्मल तौर गड आई। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम अज कम वो दूसरों की कोशिश को अंडरमाइन नहीं करते। मैं किसको जिम्मेदार कह रहा हूँ कि मेरा अपना शहर कराची में मेरे हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, मेरा हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भर रहे हैं? आपका पहला जिम्मेदारी है कि ये जो लोग जो अपना जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, अपने खानदान का जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, उनकी बात सुनो, फिर उनका मुतालबात पूरा करो। वफाकी हुकूमत और वफाकी जमात के नुमाइंदे की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को बरगलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है, तो FIR कटना चाहिए। सुद समा वाले वफाकी वजीर शिबली फराज जो चवण है तसिन जो वो वजीर इस्लामाबाद अची गालियन ते इतफाक करण बाद वापस कराची वनी बी गाल है। हुकूमत कोरोना खिलाफ वेढ़ कर रही है, जेका गाल पीपल्स पार्टी का हजम नथी थे। कुछ जमातन पॉइंटी स्कोरिंग लाए गैर यकीनी वाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कई। वफाकी वजीर मुराद सईद पीपी चेयरमैन के बयान से रद्द अमल जाहिर कदे बिलावल सदाई पर्ची वारियों रटियल गालू कह है। बिलावल के पैंजन अस्पतालों से भरवसों है, वो बुधाए तो संदस पी जो इलाज कड़ी अस्पताल में थी रो है। बिलावल भुट्टो और सिंध के वे वजीर जो वायू बताल थी वही हैं। I was raped by the former interior minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then interior minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the federal health minister Makhdoom Shoubadin and the prime minister Yusuf Gilani while he was staying at the president's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already. अगुणे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी संगीन इल्ज़ाम लगाने ता अमरीकी औरत सिंथिया रिची खिलाफ पाकिस्तान तोड़े अमरीका में हर जाने की दावा दाखिल कराने जो ऐलान कर छोड़ो। यूसुफ रज़ा गिलानी चाहे तो सिंथिया रिची कूड़ा इल्ज़ाम लगाए साख के छीओ रसायो है। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर की दरख्वास्त से अमरीकी औरत के 9 जून से जस्टिस साफी सादो पेश थे नोटिस जारी। सिंथिया रिची से गड FIA साइबर क्राइम्स PTA अमलदार के भी पेश थे हुक्म। कराची में आबादी मथां किरी तबाह थियल PIA जो जहाज मुकम्मल फिट करार। फ्रांसीसी कंपनी के माहरन की शुरुआती जांच रिपोर्ट पधरी। रिपोर्ट में चयो है तो पाकिस्तान ए फ्रांसीसी माहरन डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर ATC रिकॉर्ड आई हादसे वाले हंध वटा मिलल शाहिदन जो जायजो वरतो। जहाज में का भी फनी खराबी न हुई। तबाह थियल जहाज के डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर आई काकपिट वॉइस रिकॉर्ड जरिए अहम जान मिलने की दावा।
एयरबस समूरी दुनिया में पैं ऑपरेशनल ऑफिसिस जांच रिपोर्ट बाबत लेटर भी जारी कर छो। सिंध में कोरोना वधिक 19 मरीजन जो हयात गिड़काय वो 1475 नवा केस जाहिर थियण बाद सूबे में वायरस सटलन जो अंग वधी 36,364 थी वो। वडे वजीर मुराद अली शाह कराची की सर्विसेज अस्पताल में कोरोना लाए वधिक एक यूनिट कायम करण और वाटर बोर्ड के अस्पतालों के वधिक कनेक्शन्स देने की हिदायत कंदे चयो आहे त कोरोना तेजी से पखड़ी रो है आवाम वद का वद एहतियात करें। कोरोना की वबाई हालतों दौरान सिंध की अस्पतालों की हालत खराब। कराची में इंडस साउथ सिटी आगा खान और जना अस्पताल में कोरोना मरीजन लाए गुंजाइश खत्म थी वही। वडन अस्पतालों की इंतजामिया कोरोना के वधिक मरीजन की दाखिला ते पाबंदी लगाए छड़ी। जना अस्पताल के डॉक्टर याहया चयो आहे त वेंटिलेटर्स आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना मरीजन से भरजी विया आहिन। मरीजन के लियारी की अस्पताल मुंतकिल कयो पियो वञे। सेहत खाते चयो आहे त इंडस एंड डाउ अस्पताल में कोरोना के वधिक मरीजन के दाखिल नथो करे सके। अस्पतालों में मरीजन लाए गुंजाइश जो सिलसिलो हर कलाक में तब्दील थींदो आहे। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, उनकी कंपनी पे ठप्पा लग रहा है रिजेक्टेड का। जिस लीडर के पीछे पुलिस लगी हो, खाक लीडर है वो, हम तो खुद गिरफ्तारी दे देते थे। ये तो चोर सियासतदान है, करप्ट डिसऑनेस्ट। इनके केसेस देखें, इतने इतने केसेस हैं। ये तो चोर सियासतदान है, करप्ट डिसऑनेस्ट। और ये चीनी में भी नहीं बचते ये खानदान। ये ऐसे ही नजर आता है कि वॉक कर रहा है जी, चाय पी रहा है। अंदर से उससे पूछो, उसका रिंग पिस्टन ही बैठे हुए हैं, उसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, उसका इंजन धुआं दे रहा है। शहबाज शरीफ जो केस संजीदा है, केस जेल वजनो पवंदो। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट ते थोड़ो घणो रेगमाल हया पियो आहे। वफाकी वजीर शेख रशीद चयो आहे त शहबाज शरीफ मफाहमती किरदार चाहे तो पर वज़ीर आज़म के मफाहमती किरदार में दिलचस्पी ना है। खर स्कैंडल में मुलविस समूरा जवाबदार जेल वेंदा। अटे स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट बाबत सुभाणे वफाकी काबीना के इजलास में फैसलो कयो वेंदो। अपोजिशन में एड़ी ताकत ना है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के कुछ करे सके। जैसे पोया पुलिस हुए वह सियासी लीडर किए तो थी सके। शेख रशीद चाहे तो स्टील मिल्स से मुलाजमन के हटाने जो हतमी फैसलो ना थो। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म दीदी उन अमल किया वो। सिंध में कोरोना वायरस तेजी से पखड़न लगो। नैब कराची जहाँ ब ऑफिसर भी कोरोना सब मुतासर। घोटकी में एक ही ढी 50 नवा केस जाहिर। नवाबशाह में 25, जैकबाबाद में 27 नवा केस। मिठी और सजावल में 19 केस रिपोर्ट। डहरकी में 12, टंडोजा में 2 डॉक्टर समेत 15। मीरपुर माथिलो में डॉक्टरानी समेत 10 जना वायरस में मुबतला। सकरन और जाति में 68 नवा केस रिपोर्ट। गंबट में गिम्स अस्पताल के दिलवारी वार्ड में डॉक्टरानी समेत 57 जन के वायरस की तस्दीक। दौलतपुर में 5 और बाड्रा में 4 नवा केस। लाडकाणी की चानका अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर्स खराब होने की शिकायत कदड़ इंचार्ज प्रोफेसर हाकिम अबड़ो आईसनस अमलो ही मशीनू खराब करण जो जिम्मेवार करार। एमएस डॉक्टर अरशाद कासमी जवाबी खत में इल्ज़ाम मणियो है तो प्रोफेसर हाकिम अबड़ो के अमले जानी मानी मशीनू खराब क्यों। वेंटिलेटर आईसीयू प्रोफेसर अहमद दीन हवाले करण जो हुकुम। एमसी चयो है तो जे प्रोफेसर कम न था करण चाहन वेंटिलेटर्स जहा मरीज उन हवाले न कया वन। एंटी करप्शन केएमसी लेन बल्दिया टाउन के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम के जमीन के कब्जे के इल्जाम हेठ गिरफ्तार कर वरतो। एंटी करप्शन अख्तियार चवण है तो एक बेवा औरत के प्लॉट के खाते में फेरफार कई वही। चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार खिलाफ केस दाखिल कर गिरफ्तार जो हुक्म दिनों हो। दड़ो वेझो घोट हाजी अब्दुल्ला मक्सी में देर मुबैना तौर 40 साल की भाजाई हनीफा मक्सी के पिस्टल जा फायर कर कत्ल कर छो। सुजुकी से फरार थे दौरान जवाबदार जब्बार मक्सी टिन बार के टक्कर हणी जख्मी कर छो। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का चवण है तो वाक्य घो अड़बड़ के नतीजो है। जवाबदार की गिरफ्तारी ला छापा हया पे मन। गौसपुर वेझो ईंदड़ वींदड़ गाड़ियों में फरलुट बाद हथियारबंद कोयचावासी ड्राइवर नूर आलम पठान के अगवा कर ट्रक ड्राइवर जो गाड़ियों बिहारे एहतजाज
ट्रैफिक मुअतल थी वही। पुलिस जो चवण है तो डोहारी मोकफी के कच्चे तरफ खड़ी व्या बाजियाबी लाए कोशिशों क्यों पन। बजट की तैयारी है। सिंध सरकार सुभाने आचार ढी भी सिंध सेक्रेटेट में समूरन खातन जो ऑफिस खोलने जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत जारी थे नोटिफिकेशन में चाहिए है तो समूरन खातन जहाँ मुलाजिम सुबह 10 का शाम 5 वगे तेजे ऑफिस में मौजूद होंगे। नए माली साल की बजट की तैयारी के सिलसिले में आचर से हफ्तेवार मोकल बंद कई वही है। नू लीग अगवाण और पंजाब के अगूणे वजीर ख्वाजा सलमान रफीक के कोरोना वायरस की तस्दीक। नू लीग जो एमपीए मलिक सैफुल मलूक खोखर पुट समेत कोरोना वायरस में वटि वो टई जणा पैं घर में आइसोलेट थी वाया। एफआईए की साइबर क्राइम विंग लम्स की शागिर्दानी सुबुल मेमन के मुबैना तौर हिरासा करण बारे मामले के जांच बंद कर छी। अख्तियार डॉक्टर सुबुल मेमन के मोबाइल फोन लैपटॉप बो सामान वापस कर छो। डॉक्टर सुबुल मेमन एफआईए में शिकायत कई हुई तो नौजवान मंसूर बुरड़ो केस हिरासा कर रो है। झिरक भरसा शादी की तकरीब में आयल सतन बारन की सिंधु दरिया में बुढ़ी फौत थियण वाले वाक़े के इलाके में सोग की लहर। फौती बारन के वारसन से ताजिय जो सिलसिलो जारी। वड़े वजीर की हिदायतन बावजूद डीसी ठठो और कमिश्नर हैदराबाद सूदो को भी अमलदार मुतासर वट लड़ी ना आयो। पीटीआई एमपी हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो तरफा झिरक पहुंची फौती बारन के पोयरन से ताजियत। हलीम आदिल शेख सेहत खाते के वजीर का इस्तीफा जो मुतालबो करते है तो सिंध असेंबली में 3 कलाकन ताई भाषण डींद वो वजीर बुधाए तो रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर सूदो बो अमलो ड्यूटी छो न कर रो है। डीसी और डीएचओ के गाड़ियों लाए पेट्रोल है पर मासूम बारन जा लाश दियण लाए एम्बुलेंस न डी वही। 3 कलाक भाषण बुधो वजीर आला साहब जो सिंध में मां ही करे छड़ियो ही करे छड़ियो हु करे छड़ियो ए साईं इते ताची दिस कायद आजम जो शहर मच्छू खणण वाली गंद खणण वाली गाडी में 3-7 बारन जा लाशा पया होया ए साईं मुराद अली शाह साहब भाषण बे असा के हॉस्पिटल अचण का पो एम्बुलेंस हुंदे एम्बुलेंस न मिली चवन ता पेट्रोल कोने। ये सब पेट्रोल वडन जा इनन वजीरन जे मुशीरन जे इन डीसी जे इन डीएचओ जी गाडियन में पेट्रोल आए गरीब जे एम्बुलेंस ला पेट्रोल नहीं डिप्टी कमिश्नर कोना केयर ऑफिसर कोन आयो को डीएचए कोन आयो को एमएनए को एमपीए को इनन वट बियो कोन विच फुफी अस जी जान छड़ो पुंजी फुफी हॉस्पिटल में दिसो अस्तीफो दियो घर वे हो तवा कोरोना का केडी जान छडाइनो तवा एम्बुलेंस न तडी सको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ संगत माहिया शाहिद सियाल हेडलाइंस वाले टीम बुलेटिन की शुरुआत करनासी शॉर्ट ब्रेक हम